गाइस पहले ऊपर वाले ग्लास को मारने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी एमिंग कैसी है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। तो गाइस इसका नाम है स्कार एल। तो आप सभी को पता ही होगा गाइस ये वाली गन पबजी के अंदर कितनी फेमस हो रखी है फिलहाल, और ये वाली गन आपको फ्री फायर में भी मिल जाएगी। यार फ्री फायर के अंदर इस गन का नाम मुझे तो पता नहीं है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में फटाफट से बता दो। तो ये देख सकते हो गाइस इस तरह के बॉक्स में आ जाती है, और ये गन फुली ऑटोमेटिक है। तो ये बैटरी पर चलती है ये गन, आप देख सकते हो यहाँ पे बैटरी भी दी गई है इसकी। तो इस तरह का बॉक्स मिल जाता है हमें। तो गाइस इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया, अगर आप भी इसे बाई करना चाहते हो तो बाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बाई कर सकते हो। तो इस तरह की गन होती है ये। तो इसे किस तरह से असेंबल करना है यहाँ पे देख सकते हो आप, सारी चीजें दी गई है। तो गाइस बिना वक्त वेस्ट किए चलिए फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं और इस गन को टेस्ट भी कर लेते हैं, गन किस तरह से काम करती है। आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना गाइस, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो बॉक्स से निकाल लेते हैं इस गन को। वाव यार आप देख सकते हो कितने ढेर सारे पार्ट्स में आ जाती है ये गन। तो अभी इस सारी गन को हमें असेंबल करना होगा, तो एक एक पार्ट्स निकालते हैं और इस सारी गन को असेंबल भी कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो यार जरूर से इस वीडियो पे लाइक कर देना, और अगर चाहिए आपको शाउट आउट जरूर से कमेंट भी कर देना नीचे। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ गाइस, इसके साथ हमें सेफ्टी ग्लासेस भी मिल जाते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले मैं सेफ्टी ग्लासेस पहन लेता हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी दी गई है ग्लासेस की। तो ये मैंने पहन लिए सेफ्टी ग्लासेस, बहुत ही बढ़िया। तो ये रहे इसके वाटर वाले क्रिस्टल बुलेट्स, बहुत ही सेफ होते हैं ये। ये रहा इसका स्टैक, वाह भाई कितना वजन है यार इसका स्टैक ही, आप सोच सकते हो ये गन कितनी वजनदार होगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो फटाफट से सारी चीजें निकाल लेते हैं दोस्तों। ओ ये देख सकते हो ये है एक्स्ट्रा वाटर बुलेट्स की पैकेट, ये रही इसकी बैटरी कितने वोल्ट्स है, 500 mAh। ओके इस बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर भी दिया गया है, और ये है एक फनल, ये किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये रही इस गन की मैगजीन, ट्रांसपेरेंट मैगजीन दी गई है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की मैगजीन है ये। तो इसे भी रख देते हैं यहाँ पर, और ये है इसका नोजल, ये है इसका स्कोप, और स्कोप के अंदर देख सकते हो अब लेजर टारगेट भी दिया गया है। तो अभी फिलहाल लगता है गाइस ये काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर बैटरी है या नहीं है चेक करता हूं मैं। तो ये स्कोप 4x है या 8x है आप नीचे कमेंट में फटाफट से बता दो गाइस। तो इसे भी रख लेते हैं साइड में और निकाल लेते हैं हमारी गन को। तो इस डिब्बे को साइड में रख देते हैं दोस्तों फिलहाल। वाह भाई एकदम गजब की क्वालिटी है गाइस इस गन की। तो चलो अभी फटाफट से इसे असेंबल कर लेते हैं और इस गन को टेस्ट भी कर लेते हैं। तो पहले हम जोड़ लेंगे गाइस इसका स्टैक। तो स्टैक को जोड़ने से पहले इसके अंदर बैटरी लगानी होगी हमें, ये देख सकते हो। तो इस बैटरी को यहां से जोड़ लेंगे, और इस बैटरी को इसके अंदर डालना होगा पहले हमें इस तरह से, और फिर
इसको इस तरह से पुश कर देंगे तो ये देख सकते हो गाइस इस तरह से जुड़ जाता है ये। अगर आपको इसे निकालना है तो यहाँ पे देख सकते हो दो बटन्स दिए हुए हैं, तो आप अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा और इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो इसका स्टैक इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा, है ना गाइस, कमाल का। देख सकते हो इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है इसका स्टैक, दो स्टेप्स है इसके अंदर भी, दो स्टेप्स में एक्सटेंड हो जाता है। तो सामने का नोजल भी लगा लेते हैं दोस्तों। ये हो गया इसका नोजल आ गया और ये रही इसकी मैगजीन। वाह भाई आप देख सकते हो गाइस कैसी कमाल की लग रही है अभी हमारी गन। अभी इसका स्कोप भी लगा लेते हैं यहाँ पर। ओहो सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने स्कोप, तो इस तरह से इसका स्कोप भी लग जाता है यहाँ पर। तो और क्या चीज है, तो इसके अंदर बुलेट्स भी डाल लेते हैं गाइस। तो इस नोजल को यहाँ पर फिट कर लेते हैं इस तरह से। तो आपको अगर इसकी मैगजीन निकालना है तो यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है, तो आपको इस तरह से प्रेस करना होगा और ये इस तरह से बाहर आ जाएगी। बहुत ही आसान है गाइस इस गन को यूज करना। तो अभी इसके अंदर बुलेट्स किस तरह से फिल करना है मैं आपको बता दूंगा वो भी। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो कैप दिया हुआ है, तो इसे इस तरह से ऊपर स्लाइड करेंगे हम और इसके अंदर सारी बुलेट्स फिल कर लेंगे इस तरह से। अब देख सकते हो ढेर सारी बुलेट्स आ जाएंगी इसके अंदर क्योंकि इसकी मैगजीन ही इतनी बड़ी दी हुई है। वाह भाई तो इसे बंद कर देंगे इस तरह से और इन सारी बुलेट्स को इस तरह से थोड़ा ऊपर ले आएंगे। तो ये हो गई हमारी मैगजीन रेडी। तो अभी इस मैगजीन को यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। तो आप देख सकते हो गाइस क्या गजब की लग रही है गन अभी। तो आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो एमिंग के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, तो इससे भी एमिंग करके देखेंगे हम किस तरह से काम करता है। इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई गाइस मुझे, एकदम रगड़ है, काफी दिनों तक आप इसे यूज कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको डेमो बता दूंगा गाइस ये गन किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ वाला स्विच भी दिया गया है, तो इसे कर लेते हैं ऑन। ओह वाओ तो देख सकते हो गाइस यहाँ से बुलेट्स किस तरह से निकल रही है। वाह भाई मजा आ गया। तो गाइस अभी देते हैं शाउट आउट, उसके बाद ये गन का फायर टेस्ट करके दिखाऊंगा मैं, लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना। तो ये थी गाइस हमारी लास्ट वाली वीडियो, अमेजिंग बबल स्टीम ट्रेन अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस जाकर जरूर से देख लेना, इसमें मैंने आपको एक कमाल की ट्रेन की अनबॉक्सिंग करके बताई है। तो आप यहां पे देख सकते हो हमें मिले हैं 1.1 के लाइक्स ये वाली वीडियो पर। तो गाइस अपना प्यार दिखाओ यार चटपट टॉय टीवी के ऊपर, यहाँ पे कीजिए जरूर से 4000 लाइक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस इस वाली वीडियो पे लग चुका है किड सेक्शन, तो आपको यहाँ पे एक भी कमेंट नहीं बताएगा। तो गाइस आपको पता ही होगा यहाँ पे कमेंट्स नहीं बताने पर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख भी रखा है शाउट आउट के लिए, नीचे जरूर कमेंट करना दोस्तों।
तो इस वाली पोस्ट पर भी आप देख सकते हो 1.4 के लाइक्स मिले हैं हमें और 110 कमेंट्स भी आए हैं। तो इन सारे कमेंट्स को देख लेते हैं गाइस यहाँ पर। तो ये देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए आप लोगों ने, और मैंने सारे कमेंट्स पढ़ भी रखे हैं और सारे कमेंट्स पर हार्ट भी दे रखा है, चाहे तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इन सारे कमेंट्स में से गाइस मैंने चूज किए 30 लोगों के नाम जिनके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो उनका नाम अभी मैं ले लेता हूँ। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जिसने भी किए हैं कमेंट्स सभी को शाउट आउट, और जिसने भी किए हैं लाइक्स सभी को शाउट आउट, सभी को थैंक यू। तो ये रहा पहला नाम, आदित्य ढाकल, समीर किंग, रॉयल गेमर, धीरज जायसवाल, हमादुल्ला मलिक, कैलाश विष्णु, राजेश वर्मा, राजीव मोंडल, इम्तियाज रसूल, शेख तौहीद, नरेश अहमद, रजा खान, कुलदीप सिंह सिसोदिया, शिवन दास, प्रलॉय रॉय, एमडी जिमाम, श्यामल दास गुप्ता, विवेक दुबे, जोनाथन सुरेश सेलवाकर, ब्रिजलाल बंसल, पूजा शर्मा, ललित गेमिंग भरद्वाज, टेक्नो गेमर, धीरज मिश्रा, मसूद माधवी सोनवाने, निर्मला बोगाती, समर कुमार सिंह, अमित। तो ये थे गाइस जिनके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं लूँ आपका नाम, तो यार ज़रूर से एक बढ़िया वाला कमेंट करना ये वीडियो पर, और ज़रूर से इस वाली वीडियो पे लाइक भी करना। तो गाइस चलो अभी चलते हैं बाहर, इस गन का लेते हैं टेस्ट, देखते हैं ये गन किस तरह से काम करती है। और हाँ गाइस ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा ये गन आपको परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इस गन का प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। गाइस पहले ऊपर वाले ग्लास को मारने के लिए ट्राई करते हैं, देखते हैं इसकी एमिंग कैसी है। दोस्तों और एक बार फायर टेस्ट करते हैं। गाइस आपके लिए एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया है तो यार जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं कमाल की वीडियोस डालता रहता हूँ। अभी इस गन को मैं फुली ऑटोमेटिक मोड में यूज करके बताऊंगा, तो इस ट्रिगर को मैं अभी दबा के पकड़ूंगा गाइस, देखते हैं किस तरह से काम करता है इसका फुली ऑटोमेटिक मोड। दोस्तों आप देख सकते हो यार यहाँ पे इसकी बुलेट सारी की सारी इस तरह से ब्रेक हो रखी है, यानी कि ये गन को यूज करना बहुत ही सेफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस गन को यूज करने के बाद मैं अभी आपको मेरा ओपिनियन बताने वाला हूँ। तो गाइस इस गन की थोड़ी सी प्रोस है, थोड़े से कॉन्स भी है। तो अभी पहले प्रोस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप पहले इस गन को पूरा असेंबल कर लेते हो तो यार क्या बताऊं मैं आपको, ये गन बिल्कुल भी टॉय गन नहीं लगती आपको, बिल्कुल ओरिजिनल स्कारल जैसी दिखती है। और गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम रगड़ है यार, ऑसम बिल्ड क्वालिटी है, आप इसे सालों साल तक यूज कर सकते हो। तो गाइस ये दो ही इसके प्रोस हैं, अभी मैं इसके कॉन बता देता हूं आपको। इसका मेन ड्रॉबैक एक है गाइस
किसके अंदर से एक साथ आपको दो या तीन बुलेट्स निकल जाती है, तो इस वजह से इसकी मैगजीन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है यार। ये एक ड्रॉबैक है इस गन का। और गाइस इस गन का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस गन का प्राइस है 1900। अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाई कर सकते हो। पर गाइस ये गन मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। मेरे पास M416 भी है फुली ऑटोमेटिक वाली, तो वो गन और ये गन की भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। दोनों का कंपैरिजन करूँगा, आपको दोनों में से कौन सी वाली गन परचेस करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अगर चाहिए आपको भी शॉर्ट आउट तो यार ज़रूर से इस वाली वीडियो पे 4000 लाइक्स कर देना और एक बढ़िया वाला कमेंट भी ज़रूर करते हुए जाना। तो गाइस मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज़ के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।